और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा गवाहियों के ऊपर, कि गवाही कैसे हमारे जीवन में बनती। देखो, सबसे पहले तो सत्य को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सत्य को नहीं जानते। क्या नहीं जानते? वो चाहते हैं परमेश्वर से कि हमारा काम हो, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं अगर कि परमेश्वर कौन है। हाँ, लोगों के लिए तो सब एक है। हाँ, वो कहते हैं सब एक है, पर यीशु मसीह ने क्या कहा आकर, सत्य भी मैं हूं, जीवन भी और रास्ता भी मैं हूं, मैं एक ही हूं। पर संसार का ज्ञान है कि बहुत से हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि सब रास्ते कहां पे जाते हैं। जीसस ने कहा वो एक रास्ता मैं हूं, बस मैं हूं। थोड़े दिन पहले एक सिस्टर मुझे मिली, वो कहती है कि मैं परमेश्वर को देखना चाहती हूं, कि उसके जो 10 ऐसे दीवार हैं, जो परमेश्वर के घर के 10 दरवाजे हैं, क्या है? तो उसके पास ये ज्ञान था 10 दरवाजों का। तो मैंने उसे बताया कि नहीं, परमेश्वर के घर का दरवाजा सिर्फ एक है, 10 द्वार नहीं है। ये संसार का ज्ञान है। क्या बोलो? ये संसार का ज्ञान है, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर का ज्ञान, उसकी सच्चाई को नहीं समझेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लोग आते हैं यीशु मसीह के पास क्योंकि एक दूसरे लोग बताते हैं वहां पे जाओ क्या होगा, आपका काम हो जाएगा, आपकी बीमारी चलेगी, आपका ये समस्या ये हो जाएगा। पर जब तक आप सत्य को नहीं समझेगे समझोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह ने आकर लोगों को कहा, सत्य को जान और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। क्या करेगा? सत्य को जान, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मैं आपको बताता हूं, थोड़े दिन पहले भी एक फैमिली मुझे मिली, वो किसी कारण इसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी थी, और किसी कारण, कुछ परिस्थितियों के कारण, उसी गांव के कुछ लोगों के कारण वो फैमिली पीछे हट गई, और कुछ और भी, क्योंकि डेवल क्या करता है, इसलिए बाइबल में लिखा, शैतान की युक्तियों से क्या ना रहो, अनजान ना रहो। और वो कुछ ऐसी चीजों में वो फंस गए, और वो इस मिनिस्ट्री को छोड़कर वो पीछे चले गए, इधर उधर गए, और कुछ चीजें उनके जीवन में, और भी हालातों ने आकर जगह बना ली, ठीक है। और वो थोड़े दिन पहले मुझे फिर मिले। क्या मिले? और वो मुझे बता रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो किसी एक लेडी की बात कर रहे थे कि मैं उसे वहां पे लेकर जाता हूँ, क्योंकि उसका ऑटो है, इसलिए मैं आ नहीं रहा। और उसकी जो मिसेज है, उसकी पत्नी, वो कहती मैं कहीं नहीं गई। तो मैंने कहा ठीक है, गए भी हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं। तो वो बता रहे थे कि कोई पेशेंट है, एक लेडी है, वो कहती मैंने वहां पे जाकर ही अच्छे होना, क्योंकि वहां पे चमत्कार होते हैं बड़े। क्या है? वहां पे बड़े चमत्कार होते हैं और मैंने वहां पे जाना है। उन्होंने मैंने मैंने कहा आपने कहा था? वो कहते नहीं, हमने कहीं नहीं जाना, हमने वहीं पे जाना है बस, जहां पे चमत्कार हो रही। हाँ, तो जैसे हम भी ये मीटिंग, लाइव मीटिंग करते हैं, तो हम भी अलग अलग तरह के जो परमेश्वर काम करता है ना, तो हम क्या करते हैं, उन कामों को अलग से कुछ गवाहियों को काट कर भी अलग से अपलोड करते हैं, ताकि लोग देखें, लोगों का जीवन बचे। और ऐसे ही जितने भी अलग अलग मिनिस्ट्री हैं वो सब करते हैं लोग। और कुछ लोग ऐसे जब देखते हैं, अलग अलग लोग जो खुदा पर विश्वास करते हैं, और कुछ जो चाहते हैं मगर सच्चाई को नहीं जानते, वो भी देखते हैं। तो लोग देखकर सोचते हैं यहाँ पे चमत्कार हो रही है और हमारा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा काम हो जाए, हमारे पास भी आते हैं। पर हम जो भी नए लोग अगर दूसरी चर्च से हैं, सबसे पहले हमें उसे गाइड करते हैं, समझाते हैं, क्या करते हैं कि सत्य क्या है, कैसे तेरा काम होगा। हाँ, तुम थोड़े दिन पहले जब वो फैमिली मुझे उस लेडी के बारे में बता रही थी, क्योंकि अलग अलग, जैसे आप बैठे हो, जेंट्स अलग और लेडी अलग, है ना। तो बताना, वो बंदा बोल रहा था मैं तो पीछे अलग से बैठता हूं, तो जो मेरी एक पुत्री है। क्या है? मेरी मेरी पुत्री है, होगी कोई 8-9 साल की।
तो कहता हूँ वो उस लेडी के पास बैठती, वो बीमार है, उसे कुछ ऐसे अटैक्स आया, पैरालाइज का अटैक, उसके अंग पैर चलते नहीं। तो वो कहता कि वो मेरी जो पुत्री है वो बता रही थी, नहीं उसकी उसकी जो दादी है ना वो बता रही थी। ख्यारी कहती हमारी इस लड़की ने मुझे बताया कि मम्मा घर के ऐसे कि ये जो लेडी है वहां पे प्रभु की हजूरी में बैठकर पता क्या करती है, वो ऐसे कहती है परमात्मा मैनू चंगा कर दे, हाँ परमात्मा मैनू चंगा कर दे, मैं तेरा दीवा जगाऊंगी, की करांगी क्या कर दे मुझे, परमात्मा मुझे अच्छा कर दे, मैं तेरा दिया जगाऊंगी। क्योंकि वो घर में कोई जलाते होंगे दिया, तो अभी हालात है उससे खुद तो जलता नहीं, जहां वो प्रभु के पास जाए दूसरी फैमिली वाले जगाते, पर वो खुद नहीं जगा जगा सकती क्योंकि उसको पैरालाइज का अटैक, उसके हाथ पैर काम नहीं करते। तो वहां पे प्रभु की हजूरी में बैठकर वो ऐसे ही जब प्रेयर होती है ना, तो वो ऐसे प्रेयर्स कर रही है, आए रब्बा मैं चंगा कर दे, क्या कर दे, हाय परमात्मा मैं चंगा कर दे, मैं जरूर चंगी होके तेरा दीवा। अब मुझे आप बताओ क्या ऐसे कोई ऐसे परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि वो अपने वचन में कहता है मैं अपनी महिमा खुदी हुई मूरत को कभी भी नहीं देता परमेश्वर अपनी महिमा खुदी हुई मूरत को कभी, वो कहता मैं नहीं देता, तो कैसे करे, क्यों लिखा मेरी प्रजा क्या हो रही है, ज्ञान बिना नाश हो, क्या हो रही है मेरी प्रजा, ज्ञान बिना नाश हो रही है। लोगों ने चमत्कार तो देख लिए पर ये नहीं समझा कि चमत्कार होते कैसे, बोलो क्या है, चमत्कार को तो देख लिया पर चमत्कार कैसे होते हैं, परमेश्वर कैसे करता है, बोलो क्या है, लोगों ने ये नहीं समझा। अभी वो बैठ के प्रभु की हजूरी में उसकी तुम पास्टर जी प्रेर कर रहे हो और वो मांग रही है कि हम प्रभु जी परमात्मा जी मैं चंगा कर दे, मैं तेरे नाम दा दिया की करांगी मैं तेरे, अब कैसे परमेश्वर चंगा करेगा, अगर उसने कर दिया तो वो तो फिर किसको महिमा देगी, तो करेगा परमेश्वर नहीं करेगा, इसलिए यीशु मसीह ने कहा सत्य को जान और सत्य तुम्हें क्या करेगा, बोलो क्या करेगा, इसीलिए लिखा ना मांगो तो दिया जाएगा, पर एक जगह ऐसे भी लिखा है कि वो आपके मांगने से पहले ही जानता है, मांगो तो दिया जाएगा, पर यह भी लिखा कि आपके मांगने से पहले ही वो जानता है, जब आप उसे जान के तो वो भी जानता है और उसे पता है। यीशु मसीह ने कहा तुम इंसान होकर बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देने जानते हो, क्या जाना देना जानते हो, अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना, तो वो तो तुम्हारा कौन है, स्वर्गीय पिता है, और वो जानता है तुम्हें हीलिंग चाहिए, हाँ तुम्हें चंगियाई चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, घर चाहिए, बेबी चाहिए, बिजनेस चाहिए, हाँ तो वो सब चाहिए, जॉब चाहिए, उसे सब पता है, बोलो क्या है, उसे सब पता है। इसीलिए लिखा कि जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है सबसे पहले विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, हाँ और लिखा फिर खोजने वालों को क्या देता है, जो उसे जानते हैं उनको प्रतिफल देता है, जो उसे जानते हैं पहचानते हैं, क्योंकि वो एक ही है। जब मिश्रियों को परमेश्वर ने मिश्र की गुलामी से निकाला, क्या निकाला, मिश्र की गुलामी से, तो उन्हें अब कूच की पुस्तक पंजाबी में और हिंदी में निर्गमन है, नोट करना, जाकर पढ़ना, पढ़ना नहीं अभी, घर जाकर पढ़ना, देखना ये कूच की पुस्तक 20 अध्याय की 1 से लेकर पढ़ना, क्या करना, इसमें कुछ आख्यामाएं, कुछ आख्याम जो परमेश्वर ने इसराइलियों को जब मिस्र की गुलामी से निकाला तो अपने दास मूसा के द्वारा उन्हें दी, ताकि वो फिर दोबारा कोई गलती ना करें, क्या ना करें, और गलतियां कब इंसान करता है, जब उसके जीवन में वचन नहीं होता, इसलिए उसने पहले ही उन्हें अपना वचन दे दिया, क्या कर दिया, अपना वचन दे दिया, समझ आ रही। तो जिसके जीवन में वचन है बोलो क्या है, वो कभी भी गलतियां नहीं करेगा। आज लोग चाहते तो हैं परमेश्वर से बहुत कुछ, क्या है बोलो, पर तब तक
परमेश्वर किसी के जीवन में काम नहीं करेगा जब तक वो समझकर उसे अपना विश्वास नहीं देगा। क्या नहीं देगा? अपना जीवन, हाँ, अपना मन किसे नहीं देगा। अगर मन डबल है, बोलो क्या है, मन डबल माइंडेड है तो कुछ नहीं। यकूब कहता हूं, दो चित्ते वाले मनुष्य मुझसे कुछ नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते? जिनके अभी भी दो मन है वो मुझसे कुछ नहीं ले सकते। समझ आ रही? परमेश्वर आपको देना चाहता है, हर एक को देना चाहता है। बोलो क्या है, हर एक को देना चाहता है, हर एक को चंगा करना चाहता है। क्या करना चाहता है? आपकी हर एक घटी को पूरा करना चाहता है, आपकी बीमारियों को, दुखों को, हर चीज को। अगर उसे ना करना होता तो क्या उसे क्या जरूरत थी इतना क्रूस पर दुख उठाने की, कोड़ों की, मार खाने की? ये सब कुछ उसने क्यों किया? हमारे लिए किया। पर ये पॉइंट लोग समझ नहीं है कि हीलिंग कैसे मिलेगी, चंगाई कैसे मिलेगी, आशीष कैसे मिलेगी। क्योंकि हीलिंग और आशीष का जो पॉइंट है, जब तक हम समझेंगे नहीं उस वचन को तो कैसे होगा। समझ आ रही है? इसलिए मैंने जब सुना तो उस लेडी के बारे के, वो वहां पे प्रभु की हजूरी में बैठकर जब पास्टर जी प्रेयर करते, वो कहते हाँ परमात्मा जी मैंने चंगा कर दे, मैं तेरा दिया जरूर जलावांगी। हाँ, समझ आ रही है? अब तब मुझे ऐसे कभी परमेश्वर चंगा करेगा, कभी भी नहीं करेगा। समझ आ रही ना? तो इसलिए ये सत्य, ये सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। बोलो क्या है? बहुत जरूरी है। करते हो विश्वास? आप करते हो कि परमेश्वर एक ही है जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने मेरे तमाम सारे दुखों को क्रूस पर अपनी देह पर उठा लिया और मुझे आजाद कर दिया। करते विश्वास कि उसने मुझे आजाद कर दिया, उसने मेरी हर एक घटी को पूरा कर दिया, उसने मुझे आशीष कर दिया है। मैं आशीष हूं। बोलो मैं आशीष हूं। बोलो मैं आशीष हूं उसके नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया। आप आशीष हो। ये है सत्य, हाँ, जिसको खुद भी हमने समझना और दूसरों को भी बताना है कि परमेश्वर एक ही है। बोलो क्या है? परमेश्वर एक ही है। कि बहुत है, संसार का ज्ञान है बहुत है, पर सत्य क्या है, सच्चाई क्या है? एक ही है। बोलो क्या है? मैं क्यों कहता हूं कि आपके काम सोते सोते भी हो जाएंगे। अगर आपका मन, आपका भरोसा परमेश्वर पर आ गया, आप सो रहे हो ना, आपके काम सोते सोते भी हो जाएंगे। क्योंकि उसने कहा अपने जीवन की सारी चिंता मुझ पर डाल दी। हाँ, तो किसके वचन को पूरा करना है? चुंगियाई अपने आप, काम अपने आप, सब चीजें आसान है। बोलो ये काम आपका नहीं है कि हाँ हो नहीं रहा। हाँ, मैंने तो रात को कहा था, सुबह कहा था, कल भी कहा था, परसों भी कहा था, मुझे महीना हो गया। आपने एक बार अगर कहा है, बोलो क्या है? आपने एक चीज के लिए रिसीव किया, ग्रहण किया। अभी देखो ये बुद्धिमानी है कि कुछ लोग ऐसे अपनी जो टेस्टामनी है उसको बताते हैं, हमने इतनी तारीख को ये हीलिंग को रिसीव किया। क्या किया था? इतनी तारीख को ये हमने हीलिंग को रिसीव किया था। वो मीटिंग में याद रखते हैं कब की। और ये है सॉलिड विश्वास, सॉलिड मन। बोलो क्या है? वो तारीख, महीना, सब वो नोट रखते हैं। कौन सा वार था? बोलो क्या ना, संडे था, थर्सडे था। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि जो लोग अपनी उस चीज को रिसीव करते हैं और ग्रहण करते हैं, वो लिख लेते हैं कि ये मेरे लिए हो चुका है। फिर वो धन्यवाद भी देते होंगे, पक्का श्योर है। बोलो क्या है? इसीलिए तो वो महीने बाद, दो महीने, दो हफ्ते बाद क्या आते हैं? गवाही से आते हैं। क्या आते हैं? क्योंकि उस चीज के लिए वो धन्यवाद देते रहते हैं। क्या देते हैं? और यही चीज जिसके जीवन में अभी तक काम नहीं हुआ, आपने भी ये चीज करनी है। हमें क्या करनी है? आपने भी ये चीज, अगर आपके जीवन में नहीं हुआ काम, आप प्रभु पे विश्वास करते हो, आ रहे हो, आपका कर्ज नहीं उतरा, आपको बिजनेस में ब्लेसिंग नहीं मिली, आपको जॉब नहीं मिली, आपको बेबी की ब्लेसिंग नहीं मिली, जहां घर चाहिए आपको घर की आशीष नहीं मिली,
तो अपने भी एक काम करना है, आप उस चीज के लिए धन्यवाद देते रहना, क्या रहना है, और अपनी बुद्धि नहीं लगानी, हाँ अपना तरीका नहीं लगाना, समझ आ रही है। इसलिए अपना भरोसा और अपना विश्वास किस पर रखना, और निश्चय निश्चय 100% आप अपनी ब्लेसिंग और अपनी जस्टा मनी से आओगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।